मजबूर भी किया है। और यहाँ पे रौनक थरासाई है, कमला बॉय अभी भी बचे हुए हैं, डेस्ट्रो को इजिली रिवाइवल दे देंगे, रौनक को दे पाएंगे क्या, ये चीज देखने वाली बात है। सामने मुझे मार्कोस गेमिंग देखने को मिलती है, रॉक क्या जरूर है, उनको पता है फाइट हम निकाल सकते हैं। और एक ग्रेनेड, अगर एक ग्रेनेड यहाँ पे गया तो कमला बॉय का सफर खत्म हो सकता है। कमला बॉय के लगातार ग्रेनेड जाते हुए दिख रहे हैं, क्या रॉक्स वहाँ पे ग्रेनेड करेंगे? अगर रॉक्स वहाँ पे ग्रेनेड करते हैं या वाइपर करते हैं तो मे भी कमला बॉय बाहर होंगे। वाइपर ने किया लेकिन वो ग्रेनेड वो, बट कमला बॉय तो लाइक मतलब पूरी फैक्ट्री लेके चल रहे, रुक ही नहीं रहे वहाँ पे, ग्रेनेड पे ग्रेनेड, ग्रेनेड पे ग्रेनेड, जितने थे सब थ्रो कर चुके हैं। स्मोक बॉल्स उन्होंने पहले कर दिए थे, ये चीज बहुत सही रही क्योंकि विजन ब्लॉक हुआ सामने वाले प्लेयर का, लेकिन उनका भी तो विजन ब्लॉक हुआ। जेपी कमला बॉय अभी भी आपको देखने को मिल रहे हैं और वाइपर, जी हाँ वो थोड़ा ये एरिया सही है, लाइक अगर आप हाइट एडवांटेज का फायदा उठा के जाओगे तो कमला बॉय के लिए दिक्कतें खड़ी करेगा। और वाइपर ने किया एसजी जो लगातार चारों मैच, बात करें तो गिल की बात करते हैं यहां पर, इसी बीच टीम एक्सपा की तरफ से नॉकआउट निकाल चुके हैं मार्कोस गेमिंग के, नॉकआउट निकाला और कंफर्मेशन निकालते हैं वापस स्काउट, तो शुरुआत इनकी भी काफी अच्छी इम्पाला की तरफ, मुझे लग रहा है शायद ये फाइट हो रही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट जी नहीं, इम्पाला से काफी देर से पहले निकल चुके थे, ये सर्कल के अंदर ये फाइट हो रही है, इसी वजह से इसको इनिशिएट किया गया। बट मार्कोस गेमिंग सारे खिलाड़ी एक साथ नहीं, यहाँ पर अलग अलग दिशाओं में फैले हुए, यहाँ पर ग्रेनेड आता है सरदार जी का ट्रायल को लेके जाएगा, लेकिन बैटमैन भी यहाँ पर स्काउट को निकालते हुए नजर आएंगे, एंड तीन फिनिश निकालने के बाद स्काउट का बच पाना क्या पॉसिबल हो पाएगा। फिलहाल यहाँ पे डाउन कर दिया गया है टीम सोल के, यहाँ पे केवल एक प्लेयर यहाँ पे डॉक्स के रूप में रहेंगे, और देखने वाली बात है कि डॉक्स क्या यहाँ पे अपनी टीममेट को रिवाइव दे पाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे रिवाइव तो दे देंगे, लेकिन सामने से ग्रेनेड वगैरह आ गया तो दिक्कतें खड़ी इनके लिए की जा सकती है, लेकिन रिवाइवल यहाँ पे कर चुके, स्मोक से काफी अच्छा इस्तेमाल, डाउन साइड से यहाँ पे एफएल फेसलेस की पूरी स्क्वाड यहाँ पे टीम सोल के ऊपर भारी पड़ने चुके, बट डिसीजन देखे व्हीकल के पीछे जाके बैठे, डैमेज मिला लेकिन डैमेज कुछ खास होता यहाँ पे निकल जाने में ही बड़ा यह टीम एक्सपा का भी रोटेशन यहाँ से निकलता हुआ एक बढ़िया मौका है, लेकिन है की बात की जाए यानी नियो की बात करें अगर बात की जाए पर क्लच गॉड अभी भी उम्मीदें कायम है यहाँ पर, लेकिन है और खराब यानी दी गॉड है नियो, ये हो चुके हैं गेम से बाहर। ग्रेनेडियो में लग रहा था कनेक्शन मिलेगा, एग्जैक्टली कनेक्शन मिला, अल्ट्रॉनो भी को वहां पे नॉकआउट किया गया। चल यहाँ पे बात करें तो चल यहाँ पे दिखा अपना, यहाँ पे गनकर गेम की जो बारी आएगी वो यहाँ पे दिखाने की बारी आ चुकी है, एग्जैक्टली नॉकआउट किए, ग्रेनेड किए, उसमें भी नॉक निकला, लेकिन उसको स्पॉट, उनको स्पॉट किया जा चुका है, डैमेज काफी ज्यादा, शायद नॉकआउट हो सकते हैं। एंड यप ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग की तरह से लुफी ओपी ने इस बात का फायदा उठाया, आप सामने से बात करें तो काफी अच्छी कवर्स में थे लेकिन पीछे से बिल्कुल ऑफ गार्ड पकड़ा गया, बढ़ते कि जो आपके अपोनेंट रहेंगे वो आपको काफी इजीली स्पॉट कर सकते हैं। ब्लैंक के विलियम बात करें तो इन्हीं की तरफ आ रहे हैं, टीम सोल को सर्कल में जाने की आवश्यकता पड़ेगी। सब्स्टिट्यूट की बात करें तो वेट करें, ग्रेनेड उनके तरफ पहले थ्रो किया जाएगा, ट्राई करेंगे यहाँ पे ग्रेनेड से वापस ओपनिंग निकाल सके, बड़ी अच्छी बात रही। टॉक्स पीछे हट के वन इवन का बैरल सब्स्टिट्यूट, कोई वहां करी हाइट का एडवांटेज सीधा हेड पे, यहाँ पे बात करें कुछ अच्छे कनेक्शन में मैच से बाहर भी करने की कोशिश की जाए, यहाँ पे लेफ्ट साइड से गन रिलोड करने की एक अच्छी यहाँ पे नया सर्कल भी देखने को मिलेगा, सर्कल की तरफ भी बढ़ते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि सर्कल हमारा किस बोर्ड की तरफ हमें देखने को मिलता हुआ, ऑलमोस्ट ये सभी को सभी
तो अभी भी चीजों को कंट्रोल में ला सकते हैं और अली इसको यहाँ पे मुश्किल में डाल सकते हैं क्योंकि हाइट एडवांटेज है, कुछ इस तरीके से शॉट्स आप ले सकते हैं। गॉडविन को पहले नॉकआउट करते हैं और मुश्किल बनाते हैं। दूसरी तरफ टूल वर्सेस टीम गॉड लाइक की बैटल स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पे है की बात करें तो चीजों को कंट्रोल पे ला रहे हैं स्मिनी फॉर्डिंग के साथ, काफी अच्छा कंट्रोल दो फ्रेंड से निकाल चुके हैं। है की बात करें तो टाइम वहाँ पे मतलब जोनाथन यहाँ पे बात करें नॉक हुए, चल को भी वहाँ पे बात करें दिक्कत में डाला गया। टीम सोल वर्सेस गॉड लाइक की बैटल में वहाँ पे टीम सोल आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग को देख द्वारा यानी जोनाथन के द्वारा। और अभी के लिए यहाँ पर हम बात करें टीम एक्सपाक वो दावा बोल चुकी है और ये देखिए यहाँ पर स्काउट ऑन फायर, ओ माय गॉड, यहाँ पर तीन फिनिश निकाल चुके थे, 1v1 की सिचुएशन थी शायद यहाँ पर। सरदार जी सभी के मिड रेंज में स्पेस काफी एक्यूरेट एंड देयर यू गो, अल्ट्रॉन का नाम भूल गया मैं, लगता है अल्ट्रॉन थोड़ा सा बुरा मान जाएंगे, भाई गेल और सरदार जी आपने नाम लिया मेरा क्यों नहीं लिया। स्काउट को यहाँ पर नॉक कर दिया जाता है, अल्ट्रॉन एक और प्लेयर को नॉक करेगी या फिर उन्हें फिनिश ऑफ कर दिया है, वेल एक्चुअली मुझे तो एक और प्लेयर नॉक होता हुआ देखने को मिला, सरदार जी ने यहां पर एक नॉक निकाल दिया। तो नॉक के बाद अब बारी आ जाएगी रिवाइवल की, मवी ने यहां पर एक बेहतरीन 1v2 निकाल दिया, स्काउट को यहां पर रिवाइवल मिल जाएगा, अल्ट्रॉन अपने आप को हील कर लेंगे बट बचना होगा थोड़ा।